पद्मेश 24/7 के आज के अतिथि है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एवं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे भाई गौरीशंकर बिसेन जी। और आज हम इनसे विधानसभा चुनाव के लेकर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है पद्मेश 24/7 में। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि गौरीशंकर बिसेन जी पिछले लगभग 7 बार के विधायक हैं और 2 बार के सांसद हैं और लगभग 40 वर्षों का आपका बालाघाट में राजनीतिक इतिहास रहा है। और माना जाता है कि बालाघाट जिले में गौरीशंकर बिसेन जी भाऊ का वर्चस्व काफ़ी रहा है और एक तरफा कुछ सालों को छोड़ देते हैं उसके बाद एक तरफा राज रहा है और सारे फैसले बालाघाट जिले के जो भी होते हैं वो बहुत कुछ बिसेन जी के पर ही निर्भर होता है। और इस बार पुनः भाऊ को टिकट मिली है। हालांकि शुरुआत में जब घोषणा हुई थी तो आपकी बेटी मौसम हरिनखेड़े को टिकट मिली थी, किंतु अंतिम समय में आपको आपके नाम से बी फार्म आया। तो सर्वप्रथम भाऊ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये टिकट का बदलाव क्यों हुआ? स्वास्थ्य कारण से, बेटी मौसम का स्वास्थ्य खराब होने के कारण डॉक्टरों की राय के अनुसार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि भाई इतना जो चुनाव का मेहनत होता है करने में दिक्कत जाएगी, इस कारण से ना चाह करके भी पार्टी के आदेश का मुझे पालन करते हुए चुनाव में उम्मीदवार होना पड़ा। और मुझे लगता है कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो आदेश होता है उसको हमारे लिए सिरोधार होता है और जनता की भी आवाज़ यही आ रही थी कि भी बहुत चुनाव लड़े। और मैं समझता हूँ कि दोनों दृष्टि से विचार करें तो जो निर्णय पार्टी ने और हमारी आम मतदाता भाई बहनों की पुकार ने किया है हमारे राज्य के और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उचित निर्णय। पूर्व में ऐसा होता रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष बालाघाट विधानसभा मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र में होता रहा है जिसका लाभ निरंतर आपको मिलता रहा है और इस बार आपकी 1-to-1 फाइट है, मतलब कांग्रेस प्रत्याशी से सीधा मुकाबला है और कांग्रेस प्रत्याशी वही है जो बालाघाट के चुनाव को त्रिकोणा बनाती थी। कांग्रेस प्रत्याशी अलग रहते थे और श्रीमती अनुभा मुंजारे अलग रहती थी, किंतु इस बार परिस्थिति में बदलाव हुआ है और सीधी टक्कर है। तो इस सीधी टक्कर होने से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ महसूस हो रही होगी? देखिए, सीधी टक्कर में वोट प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में बढ़ता है। 1993 में श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर जी शर्मा से सीधा चुनाव हुआ और उस चुनाव को हम जीते। ये बात सही है कि उस समय में 3800 का अंतर था, तब उस मतदाताओं की संख्या भी आज की तुलना में कम थी। 2013 में भी लगभग सीधे टक्कर की स्थिति बनी क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार को नाम मात्र वोट मिले थे और उसमें भी हम 25 वोट से चुनाव जीते थे। तो सीधी टक्कर में भी चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। और इस बार जो हमने राज्य का चौमुखी विकास किया, बालाघाट के अनेक विकास के बड़े बड़े आयामों को छुआ है, जिस तरह की राज्य में महत्वाकांक्षी योजनाएँ चालू है उसका प्रभाव मतदाताओं के मानस पटल पर है और कहीं कोई संदेह नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 51% से अधिक वोट लेकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी और विजयी होगी। आप पे ये भी आरोप है कि आपने अपने मतलब किसी सेकंड लाइन को तैयार नहीं होने दिया, दूसरे नेताओं को बालाघाट जिले में आगे नहीं बढ़ने दिया या आपके समाज के आरोप लगातार है। बालाघाट जिले में सेकंड लाइन है, रामकिशोर जी कावरे मेरे बेटे जैसे हैं, आज हमारे मंत्री हैं और 2008 से उनको राजनीति में विजय का आशीर्वाद मिला, मैंने साथ दिया और जीवन भर देता रहूँगा। अब की बार भी मैंने कहा है कि भाई हम रामकिशोर कावरे जी को जिताएं और मुझे लगता है उनकी जीत भी सुनिश्चित है। तो ये सब आरोप निराधार हैं। गौरव पारधी आज नई लाइन के हमारे युवा कटंगी से उम्मीदवार हैं, राजकुमार कराए जी कटलांजी से उम्मीदवार हैं, तो ये सही नहीं है। नए पुराने सभी लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं और जैसा परिस्थिति आती है उसके आधार पर काम करते हैं। आपके बयान भी काफ़ी विरोधाभासी रहे, बीच में आप
इनका प्रदीप जायसवाल का विरोध करते रहे कि किसी कीमत पे टिकट नहीं मिल नहीं सकती। मैंने प्रदीप जायसवाल जी का विरोध नहीं किया था। प्रदीप जायसवाल जी ने जो मेरे संदर्भ में बयान दिए थे उनका कहा था, लेकिन तब मैंने एक भी यह बात भी कही थी कि वो निर्दलीय विधायक हैं, सरकार बनाने उन्होंने हमें सहयोग किया है और ऐसी परिस्थिति बने पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया तो मैं उनका काम करूँगा। जहाँ तक पार्टी लाइन का सवाल है, हम कभी सदैव पार्टी लाइन पर रहते हैं। बालाघाट में भी आप बोले थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी युवा को। मैंने इसके पहले उत्तर दे दिया है कि भाई यूथ को अपने मौका दिया था, पार्टी ने जैसा आप जानते हैं यूथ को ही टिकट दिया था, लेकिन कारण भी मैंने अभी बताया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने सदैव पार्टी के आदेश का पालन किया है। 1999 में सांसद था, माननीय प्रहलाद पटेल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, हमने उनको चुनाव का संचालन किया, उनको विजय सिद्ध दिलाई, तो हम तो पार्टी लाइन के लोग हैं। परिवारवाद का भी आप पे आरोप लगता है कि देखिए जब सांसद बने तो श्रीमती रेखा बिसेन जी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में परिवारवाद के संदर्भ में एक कहना है कि जो योग्य है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, चाहे वो विधायक से परिवार से हो या राजनीतिक किसी भी जननेता के परिवार का हो, यदि बीजेपी का उकार करता है तो उसको हम परिवार की परिभाषा में नहीं लेते। आप आपके जो भतीजे हैं अजय विशाल बिसेन, तो क्या कारण है कि आपका परिवार ही आपके खिलाफ? नहीं देखिए, वो शुरू से कांग्रेस में रहे और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको अपने वैचारिक रूप से मतभेद या अपने अपने हिसाब विचारों के अनुरूप पार्टियों में रहने का अधिकार है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे और कांग्रेस से उन्होंने त्याग दे करके हट करके निर्दलीय चुनाव लड़े। आपने घोषणाएं काफ़ी कुछ की है, पिछले पिछले विधानसभा चुनाव के पहले कई घोषणाएं की थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। हमारे सब घोषणा पूरी हो रही है। हमने कहा था बालाघाट को रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज देंगे, 3 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हैं और तीनों का काम चालू है। एक का तो तेज गति से काम चला, सरेखा रेलवे क्रॉसिंग और जो हमारा BK9 है उसकी पटरी खुदाई का और सड़क का काम चालू हो गया है। हमारा जो भटेरा रेलवे क्रॉसिंग है BK2, इसके टेंडर की कार्रवाई चल रही है। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज का जमीन का अधिग्रहण हो चुका, मेडिकल कॉलेज के भवन का भूमि पूजन हो चुका, लॉ कॉलेज की बिल्डिंग का भूमि पूजन हो चुका, जमीन दी जा चुकी। तो कौन कहता है कि हमने काम नहीं किया? लालबरा में हमने कॉलेज दिया जिसके भवन बन गया और उसके बाद विस्तार के लिए भी पैसे अभी स्वीकृत हुए, उसके टेंडर लग गए। हमने अपने बालाघाट जिले को एग्रीकल्चर कॉलेज दिया 80 करोड़ का, जिसका भवन का लोकार्पण 20 मई को हुआ है। तो ये कहने से काम नहीं हुआ। और हमारी भावी योजना देख लीजिए, हम पुनर्घनत्वीकरण योजना में बालाघाट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं, इसी के साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट नगर लेके आ रहे हैं, बालाघाट में चौमुखी विकास हुआ है। ये सारी घोषणाएं बहुत पुरानी है। स्पोर्ट्स नहीं कैसे घोषणा है? ट्रांसपोर्ट नगर, तो इसके लिए धन लगता है ना, हर चीज के लिए पैसा लगता है। पैसे का प्रबंधन हम स्थानीय आधार पर कर रहे हैं और पैसे का प्रबंधन जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे विकास होता है। बालाघाट में जो सड़कें बनी है या जो स्थानीय प्रशासन है नगर पालिका, जो उनको उसके जो कार्य हुए हैं उसको लेके काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हैं कि जो आपने देखा गौरव पथ का निर्माण जब हुआ था उसमें रोड़ों में जो सुधार 10 साल बाद जरूरत पड़ी तो गौरव पथ का पुनर्निर्माण किया गया। जहाँ पे पानी का भरा होता था वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाई गई। और अभी आपका जिसको अपन डेंजर रोड कहते हैं उसके निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। यदि किसी ने कुछ काम में 1900 किया है या उनके काम में क्वालिटी को लेकर के कोई शिकायत है तो हमने अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है, तो किसी को हमने छोड़ा नहीं है। और आज ऐसी बात नहीं है, बड़े स्तर पर हमारा NH 543 के हमारे जो बाईपास का भी काम चालू हो चुका है, जो कि खैरी के आगे से होते हुए लवादा आएगा, लवादा से लेडेरी के ऊपर से होते कन्हड़गांव और कन्हड़गांव से आपका खुरसुड़ी पे आएगा और इसके बाद फिर रजगांव की ओर जा रहा है। तो काम सभी तेज गति से चल रहे हैं, कहीं मार्किंग हो गई, कहीं जमीन अधिग्रहण का कार्रवाई चल रहा है, कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो
ये कहना सही नहीं कि काम नहीं हुए, काम बहुत तेज गति से और कामों में गति दी जा रही। पिछले कई सालों से जो बालाघाट की नल जल योजना है वो भी फ्लॉप। देखिए बालाघाट नल जल योजना का विस्तार किया गया और हमारी जनसंख्या बढ़ रही, नई नई बसाहटें बढ़ रही, नए नए मोहल्ले बस रहे हैं, उसके विस्तारीकरण के लिए नई हमारी योजना को भी हमने सरकार को भेजा है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ भी पानी की जरूरत पड़ेगी उसकी आज हम पूर्ति कर रहे हैं, भविष्य में विस्तारित योजना से हर उस मोहल्ले तक हर उस घर तक पानी पहुँचाया जाएगा जो नए बसाहटें आई। लालबर्रा में जो अतिक्रमण के नाम पे जो दुकानों तोड़ा गया उसको लेकर काफी आक्रोश है वहाँ के। नहीं देखिए लालबर्रा में अतिक्रमण तो था और अतिक्रमण एरिकेशन की जमीन पे था, अतिक्रमण के साथ साथ जो मेडिकल चौक से लेके आपके तहसील तक इतना सकरा रोड था कि इस कॉलेज के बच्चे उधर से लेकर के भगोली क्षेत्र में जाने वाले लोग और शहर में आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें थी। वहाँ पे कृषि उपज मंडी बनी है, वहाँ पे आने जाने के लिए धान या अन्न बिक्री के लिए लोग जाते, उसमें दिक्कतें थी। तो हमने उसको विधायक निधि से 2 करोड़ से ऊपर की राशि दिया है और डिवाइडर वाला रोड आलिशान बनाया है। इस रोड की क्वालिटी की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा रोड तो देखने को नहीं मिलता। दोनों तरफ नाली सहित 5.5-5 मीटर की रोड और 3 मीटर का आपका फुटपाथ बना है, 1 मीटर से ऊपर की चौड़ी नाली बनी है, डिवाइडर बने और जो कॉम्प्लेक्स तोड़ा उसके स्थान पर नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो जो तोड़ा है उनके लिए भी हमने प्रबंधन किया है और जब बनेंगे तो उन्हीं को आवंटित किए जाएंगे। प्रस्तावित सोनेवानी अभ्यारण का प्रस्ताव पहले आपने दिया, बाद में आपने? नहीं मैंने नहीं दिया, अभ्यारण के बारे में लोगों ने हमसे चर्चा की थी। हमने कहा गुण दोषों के आधार पर किसी भी बात का निर्णय होता है और निसंदेह जब उसका सूक्ष्म परीक्षण किया गया तो हमारे दृष्टि से 10 किलोमीटर के रेंज में किसी भी तरह का डेवलपमेंट काम नहीं हो सकता था और ऐसी स्थिति में अभ्यारण बनाना उचित नहीं था। जो गांव-गांव तक घर अपने पनबीरी और लालबड़ा तक यदि वन्य प्राणी आते तो ये उचित नहीं होता, बहुत सी अप्रिय घटना घटती है और इसलिए अभ्यारण का जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने निरस्त किया। आपके सरकारी आवास से लगा हुआ जो इरीगेशन का जो जगह थी उस पर आपने क्या लीज लिया है, क्या लिया लोगों? मैंने कोई लीज नहीं लिया भाई, और हमारे 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 पास हमारे बगल में जो जमीन थी वहाँ की जो बिल्डिंग थी पुरानी थी, विभाग ने अनुमति देकर उसको डिसमेंटल किया और समतलीकरण करके वहाँ पे उसका एक मैदान बनाया गया जो अन्य जगह आवश्यकता पड़ती। जैसे आज बालाघाट में अभी मैदानों की हमारे पास कमी है, मैंने न लीज लिया न मुझे स्वामी चाहिए, वो सरकार की प्रॉपर्टी, वो सरकार की रहेगी। बालाघाट के जो बड़े बड़े मैदान हैं धीरे धीरे उनको समाप्त किया जा रहा है और जो बच रहा है उसको भी बेचा जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? अभी तक कोई मैदान नहीं बेचा गया। देखिए पुनर्घनत्वीकरण योजना में जो पुराने शासकीय आवास हैं उन आवासों को मल्टी बना करके जो एक्स्ट्रा जमीन मिल रही है उस जमीन से धन प्राप्त करके उसी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, यह पुनर्घनत्वीकरण योजना है। इसमें किसी ऐसे बड़े मैदान को न तो बेचा जा रहा है न उसको बेचने की कोई योजना मुझे लगता है बनाई गई। मैदानों पर निर्माण कार्य हो रहा है, धीरे धीरे वो मैदान समाप्त हो रहे हैं। देखो मैदान पे बताइए एक भी मैदान बताइए जहाँ निर्माण कार्य हो। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान आज कितना सिमट गया है? देखिए उत्कृष्ट मैदान जो था आप जाके देख लीजिए, पीछे जो हमारा NCC का जो ऑफिस था जहाँ पे पहले जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य लगता था, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के रोड तक हमारा मैदान था यथावत है, इधर MLB के रोड तक मैदान था यथावत है, इधर मेन रोड तक था यथावत है, इधर जो हमारा उत्कर्ष का जो स्कूल है उसकी जो सीमा थी वहाँ तक यथावत है, कहीं पर भी मैदान को छोटा नहीं किया। बच्चों की शिकायत है कि उनको खेलने के लिए स्थान नहीं है, जैसे क्रिकेट। देखिए जितना बड़ा मैदान है उतना ही बड़ा मैदान है, क्रिकेट का कोई मैदान नहीं है आज की तारीख में बालाघाट में, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी हमारा स्टेडियम बना, अब स्टेडियम में आज हमारे सामने फुटबॉल भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्रेष्ठतम खेल है, हॉकी श्रेष्ठतम खेल है, हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का काम चल रहा है, गैलरी बनाने का काम चल रहा है। तो ये सही नहीं है कि खेल के मैदानों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि खेल मैदानों का विस्तार कर रहे हैं। बालाघाट के विकास के लिए आपके पास क्या योजना है या विधानसभा के लिए? देखिए अभी जो काम चल रहे हैं इनको पहले हम पूरा करेंगे, इसके बाद मैंने जैसा कहा कि ये जो जय स्तंभ से लेकर के सर विश्वेश्वरैया डॉक्टर विश्वेश्वरैया चौक के बीच में और
हमारे मुल्ला स्टेडियम की जो एरिया है उसमें बहुत पुराने मकान हैं, उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है और यहाँ के आवासी जो हमारे अधिकारी हैं उनको मल्टी में शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला तो हमारा ये उद्देश्य है। दूसरा, हमारे पास में शहर, हमारा छोटा शहर है लेकिन हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत सी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है, इसलिए हमने जो गोंगले एरिया में वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का निर्णय लिया है, नया हम बस स्टैंड भी बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें भावी योजना में हमारी। अभी जो मध्य प्रदेश का सर्वे आ रहा है उसमें कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, बहुमत कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ। मैंने ऐसा कोई सर्वे नहीं देखा, लेकिन ये बात बहुत पहले की थी, आज की स्थिति में बीजेपी के पक्ष में वातावरण है और बीजेपी के पक्ष में महाराज की जनता मतदान करेगी। उसका मूल कारण है बीजेपी जो कहती है वो करती है। अभी हमने किसानों के लिए जो धान की खरीदी की नीति बनाई है उसे बोनस सहित 3,100 रुपये देने का हमारा ऐलान है, हमारा संकल्प पत्र उसको स्थान दिया है। इसके साथ साथ हमने जो लाडली बहना योजना चालू की जिसमें 1,250 रुपये प्रति महीना मिल रहा है उसको बढ़ते क्रम में 3,000 तक पहुँचाने की हमारी योजना है। और हमारा पूरा घोषणा पत्र आप पढ़िए ना, एक परिवार में एक सदस्य को रोजगार या स्वतः का रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे और तरह तरह के जितने भी राज्य को के विकास के लिए उत्थान के लिए काम करना है उसका विस्तृत व्रत हमने अपने घोषणा पत्र में दिया। अभी बदलाव की एक हवा चल रही है कि बहुत हो गया शिवराज सरकार, पिछले बार बदलाव की बात लाए कांग्रेस के मित्रों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, बदलाव हुआ, कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी, उस सरकार ने कहा था हम 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ किया क्या? उन्होंने तो जनता को साथ छल किया और जिसने जनता के साथ छल किया उस पर दोबारा विश्वास कौन करेगा भाई? आपको 40 साल से बालाघाट जिले की जनता वोट देती आ रही है तो आपको क्यों इस बार वोट दे? देखिए मेरा काम, मेरा अपना व्यवहार, मैंने आज तक किसी मतदाता के को कभी नुकसान पहुंचे स्वप्न में नहीं सोचा। मैंने बालाघाट के प्रत्येक मतदाता को और यहाँ के नागरिकों को अपने परिवार का नागरिक माना है, किसी को मैंने प्रताड़ित नहीं किया। यहाँ पे हमने गुंडा राज नहीं बनने दिया, जिन लोगों ने असामाजिक तत्व ने दी कोई गलत काम किया गर्दन तो उनके ऊपर हमने प्रशासन को कहा कि भाई ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। बालाघाट मेरे कार्यकाल में शांति का टापू रहा है, सम्मान से लोग अपना रोजगार धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यह बालाघाट शांति का टापू बना रहे, शांति का हमारा क्षेत्र बना रहे। इसलिए मेरी मार्मिक अपील है कि अपने भाई, अपने भाऊ गौरीशंकर बिसेन को बालाघाट के अमन और शांति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कमल के फूल पर ओल दे करके मुझे सेवा का पुनः अवसर प्रदान करें। अब अंतिम प्रश्न, बालाघाट की 6 विधानसभाओं में से कितनी सीटें आप? मैंने अभी इसका कोई सर्वे नहीं किया और एक काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश में हम 150 सीटों से ऊपर जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे। आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैंने कहा ना कि जब सीधी टक्कर होती है तो वोटों के जो अंतर घट सकता है लेकिन जीत सुनिश्चित है। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन जी, इन्होंने हमारे प्रश्नों का बेबाक उत्तर दिया और इसी के साथ भाव आपके लिए शुभकामनाएं, आप विजयी भाव। बहुत बहुत धन्यवाद बागरेचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो में बुलाने के लिए भी धन्यवाद। आप आए उसके